Please welcome our host for the night, the very beautiful, the vivacious Sonakshi Sinha. Gentlemen, welcome to Star Screen Awards. ये Star Screen का 22वां साल है. आज ये awards हम हीरोइनों से भी बड़ा हो गया है. क्योंकि कोई भी हीरोइन 21 साल से बड़ी तो होती है नहीं. तो सबसे पहले, give a huge round of applause for the Star Screen Awards. आज की शाम हम Excuse me. What is this happening? Rubbish, nonsense. Hello, hello. तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब स्क्रीन अवार्ड्स पे आई हूँ तो सब्जियाँ बेचने तो नहीं आई हूँ ना? अरे आप जैसी लड़कियाँ सब्जियाँ बेचना शुरू कर दे तो हम सब्जी वाले ना बन जाएं। कपिल, please get to the point. Star Plus ने ये अवार्ड होस्ट करने के लिए हमें बुलाया है। जी बिल्कुल। नहीं, मैडम होस्ट करने का इतना ही शौक है तो अपने घर जाओ हम वहाँ मेहमान बनकर आ जाएंगे तब होस्ट करना तुम्हें पता नहीं अवार्ड्स नाइट इज नॉर्मली होस्टेड बाय अस बॉयज डूड तुम कहाँ से अपने आप को बॉयज में गिनने लगे करण तुम तो अच्छे खासे मर दो शादी कर ली होती तो खुद के दो तीन बॉयज होते ऐसा कभी नहीं हो सकता सोनाक्षी क्या बात कर रहे हैं सर मेरा मतलब ये था कपिल कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जगह ये लड़कियां ले लें बिल्कुल एक्सक्यूज मी क्यों नहीं हो सकता लड़कियां आजकल हर काम में आ गए हैं देखिए मेरी बात सुनिए महिलाओं के लिए बस में जो पहली सीट रिजर्व होती है उसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे आगे हैं आपने कभी देखा होगा ड्राइवर आपसे भी आगे बैठे होते हैं शट अप शट अप शट अप तुम लड़कियां बिना मेकअप के आधा घंटा रह सकती हो यू शट अप Never underestimate the power of a common woman. No, dialogue भी मारा तो आदमी वाला घुमा के। तो क्या हो गया? आजकल लड़की लड़कों में कोई फर्क नहीं होता। ये तो actually मैं भी मानता हूँ। मेरे लिए भी लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं। आज की लड़कियाँ लड़कों से कंधा मिलाकर चलती हैं। I'm taller, by the way. तो हम भी तो कंधे से कंधा मिला रहे हैं, हम कंधे से घुटना मिला रहे हैं यार। तुम लड़के तो दीपिका से भी कंधा नहीं मिला सकते। हाइट देखिए उसकी। Excuse me, madam. लंबे होने से कुछ नहीं होता। आज भी जब शाहरुख खान झुककर बाहें फैलाता है, तो सारी हीरोइन उसमें आराम से फिट हो जाती हैं। Whoa. इसमें हीरो का नहीं, हीरोइन का टैलेंट है। उन्हें हर रोल में फिट हो जाना आता है। तुम लोग कितना भी किसको भी सपोर्ट कर लो कितना भी झगड़ लो इस शो पर हम लड़कियां ही आज छा जाएंगे राइट राइट किसी ने बोला ही नहीं अपनी तरफ से राइट सर ये मानने नहीं देगी हमें पता नहीं था कि शॉटगन की बेटी तोप निकलेगी और सोनाली जी कैसी हैं आप आप भूल गई थी अवार्ड है आपको लगा जागरण है शायद एक बार स्क्रीन अवार्ड के लिए जोरदार तालियां हो जाए गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्टार स्क्रीन अवार्ड मैं हूं करण जौहर और मेरे साथ हैं रहने दीजिए सर मेरे को जानते हैं कपिल जानते तो मुझे भी हैं पर एक कर्टसी होती है ना एक तरीका होता है इंट्रोड्यूस करने का तो फिर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोली ना सर मैंने तो इस साल हिट फिल्म भी दी है थोड़ा ऐसे बोली ना कि मल्टी टैलेंटेड डैशिंग स्टाइलिश वर्सेटाइलिस बड़ा शो है थोड़ा बड़ा फील आना चाहिए सर कपिल मैं एक सवाल करना चाहूंगा तुम लड़कियों से इतना चिड़े क्यों हो यार सर एक तो आसानी से मतलब पटती नहीं है और दूसरे नाम कभी कभी ऐसे रख लेती है कि मतलब किसी को हाय हेलो नहीं बोल सकते आप
पर तुम किसे हाय हेलो करना चाह रहे हो? जैकलिन फर्नांडिस को सर. अब स्पेलिंग बताइए उसके नाम के. वेरी सिंपल, जे सी क्यू ई एल आई एन ई एंड फर्नांडिस, लाइक एवरीवन नोज इट, फर्नांडिस. आपका ठीक है सर, मेरा क्या है, मेरा जैक अलग रह जाता है, लीन अलग हो जाती है, फर्नांडिस तक तो मैं पहुंचता ही नहीं हूं. कोई जरूरत नहीं जैकलिन तक, ठीक है, तो उस तक नहीं पहुंचते, लेकिन मैं उसे यहां बुला लेता हूं फॉर यू कपिल. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the stunning, the superb and the gorgeous Jacqueline Fernandez. Karan sir, aaiye main aapko pura set dikhata hu. Ye dekhiye hamara set kitna khoobsurat hai. Aur aapne ek baat notice ki hogi sir, charon taraf jitne bhi dialogues hain. Haan. Kitne aadmi the? Haan. Pushpa, I hate tears. Picture abhi baki hai mere dost. Sabke sab हमारी इंडस्ट्री के जो हैं हीरोज हैं उन्होंने बोले हुए सर. अरे लेकिन तुम्हें पता है जब शशि कपूर साहब ने ये कहा था मेरे पास माँ है, तो लेजेंडरी अमिताभ बच्चन भी थोड़े चुप हो गए थे. लेकिन सर आपने एक बात नोटिस की है, जितना उनकी कद काठी है उतनी किसी हीरोइन की है? जो माचो मैन की इमेज उनकी है कभी औरतों की हो सकती है? अच्छा अच्छा, एनीवे इनफ, मैं तेरे दोनों बातों का जवाब देता हूँ. लड़कियों का कद इंडस्ट्री में कितना ऊंचा है और उनकी आवाज कितनी बुलंद है. प्लीज वेलकम माय टैलेंटेड फ्रेंड द सुप्रीमली अमेजिंग फारा खान. ये तो आपने ऑलमोस्ट आदमी को ही बुला लिया सर. और साथ में वेरी ब्यूटीफुल शिल्पा शेट्टी. अब तू संभाल ले भैया, मैं चला. शिल्पा, ओ वाओ, झगमगाती लड़कियां, झगमगाती मिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम भी तो हो. हथगाती लड़कियां, खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो. हाय फराम, हाय शिल्पा, हाय कपिल, जरा पास आइए. अरे आ जाते हैं, राज कुंद्रा तो नहीं आसपास? हाउ आर यू? हाउ आर यू कपिल? वेरी गुड. आई एम वेरी गुड. और पास, और पास. अरे कितना पास आए बताइए, मैं घर अवार्ड के बाद घर तक छोड़ के आता हूँ आपको. हाइट ना आपने, तुम्हें पता चल जाएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों की ऊंचाई कितनी है. ये तो बात सच्ची है. आपको पता है मुंबई में इसीलिए एफिल टावर नहीं बना रहे, ऑलरेडी इतनी लंबी लंबी लड़कियां. ये तो कहीं जंगल में भी अपना फोन ऑन कर लेती ना, नेटवर्क आ जाता है. भगवान आपको, इनको तो किस करना हो तो लिफ्ट में जाना पड़े आदमी को. कपिल वैसे मेरे बारे में क्या बोल रहे थे तुम? अरे आई लाइक योर हेयर स्टाइल साजिद. तू बहुत बोल रहा है अभी, भूल मत तेरी एक ही फिल्म रिलीज हुई है अब तक. अरे एक ही फिल्म से तो बात होती है, एक ही फिल्म हिट हो जाए आदमी सीधा टीवी से फिल्म अवार्ड्स में आ जाता है. ओह माय गॉड, एक ही फिल्म जो है हिस्ट्री क्रिएट कर देती है. याद करिए फिल्म शोले, एक आदमी ने ही बनाई थी. रमेश सिप्पी साहब आपको सैल्यूट है सर. अब आप बताइए, आप बड़ा कह रहे हैं कि विमेंस जो है सबसे आगे हैं, ऐसे थोड़ी होता है. सारे किरदार हिट थे उस फिल्म के, मर्दों के किरदार. और सारे मर्द किरदारों पे एक बसंती भारी थी. अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ की बात, लेकिन अमर अकबर एंथनी, तीनों हीरो की वजह से फिल्म हिट हुई है. फिल्म हिट हुई थी उनकी माँ निरुपा रॉय की वजह से. अगर वो बच्चों को खोती नहीं तो स्टोरी बनती ही नहीं. अच्छा उन्होंने बच्चे खोए, तो अगर बाप ना होता तो बच्चे कैसे हुए? पहले पिताजी के वजह से बच्चे हुए, फिर बच्चे खोए, फिर फिल्म बनी. देखिए ऐसे नहीं होता. आप देखिए जितनी भी फिल्में बनती हैं, बाप बेटे बनती हैं, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी. कभी माँ पे फिल्म बनी कि माँ नंबरी बेटी 10 नंबरी? अरे क्यों, चाची 420 भूल गए? तो वो भी आदमी चाची बना था ना. अरे आदमी औरत बना, इसलिए तो फिल्म हिट हुई. और तेरी फिल्म भी क्यों हिट हुई है? चार चार हीरोइने थी उसमें, इसलिए हिट हुई है. चलिए आज का झगड़ा इसी खराब जोक पे खत्म करते हैं. मुझे क्यों नहीं आप अपनी फिल्म में चांस देती यार, कमाल है. मैं आपको, मैं सीरियसली फरा मैम एक मौका दे रहा हूँ. हाँ. आप मुझे चाहे तो साइन कर सकती हैं, आज स्पेशल डिस्काउंट भी है. डिस्काउंट? जी. अरे डिस्काउंट पे तो मैं हमेशा साइन कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मेरी फिल्म में आने के लिए तुम्हें डांस करना होगा. डांस? डांस तो दिखाना होगा. कपिल, 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 ये तो मैं देख के ही रहूंगी. आज हो जाए, शिल्पा भी है, कपिल यही मौका है. एक सीढ़ी लेके आ जल्दी और इनके साथ डांस कर.
What kind of dance you want to do me? Do me? I definitely Indian, don't want to do Arabic, you. Latin, French, Indian continental, Chinese continental. What kind of? अच्छा डांस कर सकता है? अच्छा. इतनी सारी ऑप्शन दी, उनमें से चुनो ना कोई. अच्छा का क्या मतलब हुआ? चलो, let's see Indian continental dance. Okay. Can we have the music, please? शिल्पा, डन, चला गया. हाँ, कभी कभी मर्दों को शट अप करने के लिए थोड़ा बहुत बाउंस करना पड़ता है. सर, आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही आग लगा सकती हैं? लड़के भी आग लगा सकते हैं सर. अभी सिगरेट जलाकर इधर उधर फेंकेंगे तो आग तो लगेगा ही ना. अरे सर, वैसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अपनी परफॉर्म. और जो लड़कियां रणवीर को देख के अपने मोबाइल ऊपर कर रही हैं, जिनके मोबाइल में कैमराज हैं वो तो ठीक है, जिनके कैमराज नहीं भी वो क्यों ऊपर कर रही हैं? आप प्लीज, लव यू टू. अच्छा, कपिल, तुम्हें पता है कि अब यहाँ कौन आने वाला है? मैं कब बेजान दारू वाला हूँ, मेरे को क्या पता सर कौन आने वाला. मैं बताता हूँ, अब जो यहाँ आ रही हैं वो आग लगा देंगी. फायर ब्रिगेड बुलाएं सर फिर. अरे, ये लड़कियों की अदाओं की आग है, तुम नहीं समझोगे कपिल. इनके मस्त मस्त दो नैन दिल का ले गए चैन. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फॉर द ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग सोनाक्षी सिन्हा. मैं अपने दर्शकों से एक एक मसले का हल चाहता हूँ. एक्चुअली जनता की तरफ से एक्चुअली सवाल आया है, हम लोग ये जानना चाहते हैं, बिकॉज आज हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं. काफी बहस भी हुई इस शाम में कि कौन बेहतर हैं, लड़के बेहतर हैं या लड़कियां बेहतर हैं. तो मैं ये सवाल जो है वो यहाँ बैठे तमाम दर्शकों से, अपने फिल्म स्टार से पूछना चाहूंगा. तो मैं नीचे आके आपसे बात करना चाहता हूँ. दीपिका, सीरियसली, ये दोनों दिल के बहुत सच्चे हैं, कभी ये झूठ नहीं बोलेंगे, छुपाएंगे नहीं. रणवीर, दिल से बताना आप, ओवरऑल जेनरिक, लड़के ज्यादा नखरे करते हैं कि लड़कियां? लड़कियां करती हैं ऑब्वियसली. किस प्रकार के नखरे करती हैं लड़कियां? आप ध्यान से बोले, क्योंकि आप जो भी नखरा बोलेंगे वो सब दीपिका के ऊपर जाएगा. बस सजते धजते वक्त और 100 टाइप के नखरे हैं यार. आपको तो सब पता है, आप इतनी लेडीज के साथ आपकी फ्रेंडशिप. दीपिका, आप कितना सहमत हैं कि लड़कियों के ज्यादा नखरे होते हैं, लड़कों के कम होते हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ. रणबीर, तुम इधर ही आ जाओ मेरे को बैठने. नहीं है यार, मतलब आप ये मानते हैं कि नहीं, लड़कियों के नखरे नहीं होते, लड़कों के ज्यादा होते हैं? पर लड़कों के ज्यादा होते हैं. मुझे आपको क्या लगता है, जैसे दिल्ली में एक आजकल फॉर्मूला चल रहा है इवन एंड ऑड का, अगर ये रियल लाइफ में लागू हो जाए कि इवन ऑड वाले दिन एक दिन लड़कियां बोलेंगी, एक दिन लड़के बोलेंगे, तो क्या जो हमारे हिस्से में इवन आएगा या ऑड आएगा, क्या हम मर्दों को बोलने का मौका मिलेगा? जनता जवाब देना चाहती है. यहाँ पे जो एक्सपीरियंस्ड कपल है उनको पूछना चाहिए. एक्सपीरियंस कपल? अच्छा, बच्चन साहब की पूरी इंडस्ट्री में जितनी चलती है सबको पता है, शहनशाह बॉलीवुड है. सर एक सेकंड, दीपिका बाइक पकड़ना. सर, घर में ज्यादा किनकी चलती है? जेनरिक, आ जाइए पास, आ जाइए. सर आपकी आवाज इतनी भारी है ना, पास भी बुलाते हैं, मुझे लगता है अंदर कर दीजिए इनको. सॉरी सर, थोड़ा डर लगता है सर, क्या करें. और नजदीक आ सकते हैं हम? सर आपके पास जो बैठी हुई ना, मैं तो बहुत ज्यादा नजदीक आना चाहता हूँ. तो सॉरी, भूल जाता हूँ यार. तो सर, हेलो, तो मतलब क्या बताएं सर, आप खुद एक्सपीरियंस है. मतलब मेरे घर में तो आपकी चलती है. रियली सर?
जी बिल्कुल. हाउ स्वीट ऑफ यू सर. मेरा पेमेंट बढ़ा दिया आपने मार्केट में इतनी बात बोल के. आइए हम कुछ और अपने मेहमानों से जानते हैं. यू आर लुकिंग कैप्सिकम गॉर्जियस. सॉरी मेरे गॉर्जियस बोलना था, मेरे को कैप्सिकम निकल गया. आपको क्या लगता है, लड़कियों के नखरे ज्यादा होते हैं लड़कों के ज्यादा होते हैं? कैप्सिकम. हाँ, ऐसी कैप्सिकम अगर हमारे घर में हो, हम उसकी कभी सब्जी बनाए ना, उसको देखते रहे, उसके ऊपर पानी छिड़े छिड़के ताजा रखे उसको. अच्छा मेरे को एक बात बताएं, ये ड्रेसेस कहाँ से बनवाती हैं? दर्जी कहीं से भी कैंची चला रहा है. शिमला मिर्च या मिर्च? शिमला मिर्च मतलब तीखी. लड़कियों को अच्छा लगता है ऐसे कमेंट सुनना कि उनको स्पाइसी बोला जाए, तीखा बोला जाए. लड़कों को क्या अच्छा लगता है? लड़कों को कुछ नहीं, लड़कों को लड़कियां देख ले उनके लिए सब कुछ अच्छा है. हाँ, भगवान का प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं जो भी मिल जाए. देखिए अब मुझे पसीना आ रहा है, मैंने कभी डैप नहीं करवाया, मेरे कोई आगे मेकअप क्या देखना किसी ने इतना, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस इसलिए पहनती हैं अवार्ड शोज में, कभी पसीना है तो घाघरे में मुंह डाल के ना डैप कर लेती हैं, तो ये बड़ा फायदा होता है. अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू दीपू, सॉरी रणवीर, मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी. सो आप क्या कहना चाहेंगे कि किनके नखरे ज्यादा होते हैं? जी लड़कियां बहुत सिंपल सी होती हैं. हमने क्या जरी गोटे का काम करवाया हुआ अपनी बॉडी पे, हमने क्या गलत किया हुआ है? एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए. कपिल भगवान के लिए ऊपर आ जाओ प्लीज. अरे आप गए नहीं अभी तक? नहीं बिल्कुल नहीं. ओके सो थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑल द स्टार्स. सर आपने हाल ही में माधवन को देखा है? हाँ पिछली बार देखा तो बड़ा ही क्यूट लग रहा था. वेरी क्यूट. क्यूट था सर, लेकिन इस फिल्म के लिए उसने इतने डॉले शॉले बना लिए ना कि मैं आपको क्या बताऊं. हाँ. मतलब आप देखते रह जाओगे. प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड मिस्टर आर माधवन. How are you, sir? Thank you, sir. देखिए सर आ गया साला खड़ूस. ये कैसे ये इंट्रोड्यूस करने का कोई अंदाज है कपिल? सर मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, उनकी फिल्म का नाम है जिसके लिए उन्होंने ये सारा लुक तैयार किया, इतनी मेहनत की है. वैसे एक बात बताओ माधवन, ऐसी बॉडी क्यों बनाई तुमने? करण यार मैं थक गया था विद ऑल द लेजी लिटिल फिल्म्स दैट आई वाज डूइंग, तो मैंने कहा यार एक कड़ाके की फिल्म करता हूँ. हाँ. और इस फिल्म का नाम है साला खड़ूस, जहाँ पे मैं एक रिटायर्ड बॉक्सर का रोल कर रहा हूँ. तो इस फिल्म में मुझे एक लेडी बॉक्सर की तलाश है. सुना फिल्म में एक लेडी बॉक्सर है. सर देश में इतने लड़के हैं, आप किसी को बॉक्सिंग सिखा सकते थे, आपने लड़की क्यों चुनी सर? वो इसलिए क्योंकि यार मुझे लगता है कि हमारे जो देश में शूरवीर लड़कियां हैं उनको भी एक मौका मिलना चाहिए. तो इस फिल्म में मैंने एक कमाल की लड़की को ढूंढा जो एक मच्छी वाली है. okay. और मच्छी वाली होने के बावजूद शी सच अमेजिंग बॉक्सर की ऐसा घोसा मारती है कि लोग याद रखते जाते हैं. क्या बात है. देखा कपिल लड़की भी कमाल की बॉक्सिंग करती है. गौर से देखिए इस इंसान को, हर बात में बस लड़कियों की तारीफ कर रहा है, जबकि तारीफ करनी चाहिए इस जवान लड़के की जिन्होंने इतनी मेहनत की. यार 6 महीने से अपनी दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं. ओहो कपिल अपनी बकवास बंद करो. अच्छा जो लोग बच्चन साहब को खड़े होके देख रहे हैं वो बैठ जाएं, बच्चन साहब बैठे बैठे भी दिख जाते हैं. और माधवन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी देर आप प्लीज इस शो को संभालें. जो हुकुम. वो रही आपकी जगह. अच्छा मैं और करण सर चाय पी के आते हैं. कॉफी एंजॉय. हर चीज में ना एक लेवल ऊपर जाना आपने. बिल्कुल चाय कॉफी. जब मैं लस्सी बोल दूं तो Preeti, how are you? How are you, my darling? So lovely to see you. And one. And one more. Mwah. Lovely. Hi. Hi. Karan sir, this is racism. Racism? मतलब ये cheek से cheek वाली facility आप ही ने क्यों ले रखी है? हमारे क्या गाल पे चेचक निकली हुई है? Actually, I'm a little irritated with you. Why? क्योंकि मैंने backstage सुना आप क्या बोल रहे थे यार. क्या बोल रहा था मैं? कि film industry सिर्फ मर्दों से चलती है. I mean, I don't get it. नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर कुछ कुछ सच्चाइयां हैं भी. करण सर भी मेरे साथ थे उस समय, मैंने अपने मन से नहीं कहा था, पर होता है एक्चुअली. ज्यादातर जो है लड़के जो हैं हावी है हमारी इंडस्ट्री पे. आपको पता है फिल्म मर्द भी बिना हीरोइन के नहीं बन सकी. यू नो व्हाई? व्हाई?
Because the film industry is cinema. It's all about the ma, guys. Cinema. It's not cinema. फिर भी बाप तो फिल्म इंडस्ट्री के मर्द ही है ना. आप नॉर्मल लड़कियां जो नॉर्मल मेकअप करने में 6-6 घंटे लगाती हो, बच्चन साहब 4 घंटे में पा के गटम में आ गए थे. आप बताइए, कभी लड़कियां अपने किरदार के लिए इतना कुछ करती हैं? रियली? या भूमि जी, भूमि ने दम लगा के हईशा में 100 किलो वेट गेन किया था. जी 100 किलो नहीं गेन किया था, वो 120 किलो के आसपास हो गई थी. पर बहादुरी लड़के की भी तो देखो ना आप, 125 किलो की लड़की को उठा के भाग रहा है, उसकी भी तो उतनी मतलब आप उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ना. हीरोइन को उठाया तो पिक्चर उठी. जी बिल्कुल. पिक्चर उठेगी तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री उठेगी. जी, हमारी बिल्कुल. फिल्म इंडस्ट्री उठेगी तो हमारा देश उठेगा. लड़कियों का जमाना है कपिल. जी, मैं मान गया. अब आप लाइन पे आ गए हो तो आर वी गुड? आप लाइन मारने का मौका दे, मैं लाइन पे क्या, मैं तो छोड़िए बरा जल्दी से वापस आती हूँ. ओके, दूसरी हीरोइंस को लेके. ओके, कीप मिसिंग मी. बाय बाय बाय. कितने बढ़ जाते हैं? मैं तो ऐसे ही आ गया. कितने पैसे लिए मैं बताऊं सबको? रहन दो सर, आपको भी पूरी पेमेंट बताई नहीं है ताकि आपको कॉम्प्लेक्स ना हो जाए. कपिल, अरे सर मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आप इसको सीरियसली ही समझना. आपको हम लड़कों के लिए प्राउड होगा सर, क्योंकि आप भी एक लड़के हैं. वैसे आज हम Ladies and gentlemen, welcome back to Star Screen Awards. We would like to thank our music partner T-Series. अगला अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर के लिए. ओ वाओ सर, ये अवार्ड तो आपको मिलना चाहिए. लेकिन मेरे इस साल कोई फिल्म नहीं आई है कपिल. इसीलिए तो मिलना चाहिए ना सर. अगर नहीं अच्छी स्टोरी मिली तो आपने नहीं बनाई, जबरदस्ती नहीं करते आप. अच्छी स्टोरी मिले तभी फिल्म बनाओ, फालतू प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्यों दबाव डालना सर. या तो इसलिए मेरे को लगता है कि आपको अवार्ड मिलना चाहिए. कपिल फिलहाल उन्हें अवार्ड मिलेगा जिन्होंने इस साल कमाल की फिल्म बनाई है और उनके नॉमिनी सर मिल रहा हूँ. मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को. मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर. आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. कांग्रेचुलेशंस दीपू, आई एम गेटिंग टीयर्स इन माय आईज. Wow, Deepika, that's one wedding cake everyone wants a piece of. केक से मुझे याद है सर, मेरा ना बचपन में एक ख्वाहिश थी कभी मेरे बर्थडे पे ऐसा 5-6 फ्लोर का केक कभी काटने को मिले. आज दीपिका की ड्रेस को देख के मुझे मेरा बचपन का ड्रीम याद आ गया. Congratulations, दीपू, I'm really happy for you. Keep loving me. हाँ भाई, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेकर उसको छेड़ना ही अपने आप में एक बहुत डेयरिंग काम है और आपने बा कमाल काम किया मैम. क्या सेक्सी मुद्दे को लेकर? व्हाट डिड यू से? सॉरी, सेंसिटिव मुद्दे को सर. ओके ओके, सॉरी सर. आप लग रहे हो सेक्सी सर. हेलो करण सर. हाय कपिल, यू आर द फनीएस्ट मैन इन द कंट्री. थैंक यू वेरी मच कपिल. यू मैन ब्रो, कीप जेलस, कीप जेलस. Moving on. करण सर, आपको पता है हम लड़कों में बर्दाश्त करने की शक्ति भी लड़कियों से ज्यादा होती है. हाँ. अगर आप किसी भी लड़की को आंटी बोल दो, हाँ. 2 मिनट में देखना उनका चेहरा ब्लश से भी ज्यादा लाल हो जाएगा. कपिल, तुझे आज लड़कियों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया. मैं कह रहा हूँ, मुझे क्यों लगता है कि आज तुझे बहुत पिटने वाली है. हाँ. आपको क्या लगता है सर, लड़कियां मुझे मारेंगी? इतनी हिम्मत. हाँ. आप खुले मैदान में चलिए मेरे साथ, फिर बुलाइए लड़कियों को. मैं नहीं डरता हूँ सर. अभी देखना क्या होता है. तुम ये सब कह रहे हो, काफी मर्द बन रहे हो, देखना तुम्हारी मर्दानगी का क्या, मर्दानगी क्या फुल टॉस होने वाला है अभी, देखना. अरे नहीं सर, कुछ नहीं होता. आप देखो. नहीं नहीं, हो क्या रहा है सर, सरप्राइज है? हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज. फिर भी मेरे को थोड़ा सा आइडिया. मत मत कीजिए. डोंट लुक बैक एवर इन लाइफ पर नहीं, टिल यू आर टोल्ड. थोड़ा सा आइडिया.
बीच में अटक गए, हम तो यार बीच बिचाले लटक गए। क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, मैंने तो सुना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मर्दों का राज है। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लड़कियों का राज हर जगह। सर मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा, मर्द को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता, सिर्फ तब दर्द होता है जब हीरोइंस को ज्यादा पैसे मिलते हैं, राइट? ये वो कमाल है, मुझसे क्या पूछ रहे हो? नहीं लड़कियां छाई हुई हैं, प्लीज आप मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लें। एक सेकंड, आपके हाथ में अच्छे नहीं लग रहे, आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, आप भी लग रही हैं, आप भी दे दीजिए। आप भी मतलब? अरे जस्ट किडिंग, मैं आई थिंक उस साइड चले जाता हूँ, आई डोंट लाइक दिस ब्रूम। सर आपके घर में भी सुबह सुबह यही लगता है, आप लोग कौन सा ब्राउन ब्रेड से साफ करते हो क्या? क्या है सर, मैं ये कह रहा था कि लड़कों की ही चलती है, झाड़ू ले जाएंगे तो डराएंगे आप लोग? चार लड़कियां इकट्ठी होके आ गई हैं, डरा रही हैं। कपिल देखो, राइट तो देखो, तुम्हारी ये गलत फहमी भी मैं दूर करती हूँ। बजरंगी भाईजान बॉक्स ऑफिस पर इसलिए छा गई क्योंकि बजरंगी के साथ मुन्नी थी। ये तो है। और ये खूबसूरत प्यारी बच्ची सबसे आगे, और इसे स्क्रीन की तरफ से मिलता है इस साल का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड। हो जाए हर साली के लिए जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था आपका बेटा, कांग्रेचुलेशंस। मैं किसी को बुलाऊं साथ में उठाने के लिए? अच्छा ओके, मैं हूं साथ में। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, ये तो बच्ची क्या है, बच्ची की बाप को उठा ले। ये हम लोग जो भी कर रहे हैं मजाक, हंसी मजाक चलता रहता है, ये ना करे तो खैर मजा नहीं आएगा। पर सीरियसली हम सल्यूट करते हैं सारी महिलाओं को। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, यू मे नाउ लीव। लेडीज एंड सर, आपको कच्चे का नाड़ा बांधना आता है? व्हाट्स अ कच्चा? कच्चा इज लाइक ए सपोर्टिंग एक्टर, यू सपोर्ट योर ट्राउजर, यू नो वेन एवर यू फील कच्चा यू फील कंफर्टेबल, इफ यू आर नॉट वेयरिंग कच्चा यू आर ऑलरेडी वेयरिंग ट्राउजर बट यू फील लाइक यू आर वेयरिंग नथिंग, हालांकि देर इज समथिंग, बट कच्चा इज अ वेरी अच्छा सर। आई डोंट वेयर दिस कच्चा। आप कच्चा भी नहीं पहनते? ओके ओके वन सेकेंड, इससे पहले कि कपिल सूट से कच्चे पे आ जाएं, लेट्स स्टार्ट विद द अवार्ड, शैल वी? प्लेबैक सिंगर फीमेल। सर आप पहले फीमेल्स को देखते हो, आपको पता है इसी वजह से मेल जो है पीछे रह रहे हैं। ओहो ऐसा नहीं है कपिल, मैं तो मेल मिलाप में यकीन रखता हूँ, लेकिन ये तो कर्टसी है ना लेडीज फर्स्ट। जोर से मन कर रहा है, जोर से मन कर रहा है यार, मेरा बड़ी जोर से ना एक स्टोरी सुनाने का मन कर रहा है। स्टोरी सुनाने? अरे यार इतने सारे लोग बैठे हैं, सबको कला का तो पता चल रहा चाहिए ना थोड़ा, मेरी भी यार। नहीं वरुण, हम यहाँ पे स्टोरी नहीं सुना सकते। दो मिनट लगेंगे, दो मिनट। अच्छा सुनाओ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हमारा अगला अवार्ड, खूबसूरत अवार्ड नाइट के लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, जिन्हें आज यहाँ अवार्ड मिले उन सबको ढेर सारी बधाइयां। आप इसी तरह बेहतरीन काम करते रहे और हिंदी सिनेमा को एक से एक बेहतरीन फिल्में दें और बॉलीवुड का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। दिल से मुबारकबाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बख़ैर। मैं अपने दर्शकों से एक एक मसले का हल चाहता हूं, एक्चुअली जनता की तरफ से एक्चुअली सवाल आया है, हम लोग ये जानना चाहते हैं, बिकॉज आज हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, काफी बहस भी हुई शाम में कि कौन बेहतर हैं, लड़के बेहतर हैं या लड़कियां बेहतर हैं। सो मैं ये सवाल जो है वो यहाँ बैठे तमाम दर्शकों से, अपने फिल्म स्टार से पूछना चाहूंगा, तो मैं नीचे आके आपसे बात करना चाहता हूँ। कॉलर चढ़ा के तू फुल्ट मजा ले, फटी जींस को अपना स्टाइल बना ले। दीपिका सीरियसली, ये दोनों दिल के बहुत सच्चे हैं, कभी ये झूठ नहीं बोलेंगे, छुपाएंगे नहीं। रणवीर दिल से बताना आप, ओवरऑल जेनरिक, लड़के ज्यादा नखरे करते हैं कि लड़कियां? लड़कियां करती हैं ऑब्वियसली। किस प्रकार के नखरे करती हैं लड़कियां? आप ध्यान से बोले, क्योंकि आप जो भी नखरा बोलेंगे वो सब दीपिका के ऊपर जाएगा। बस सजते धजते वक्त
और 100 टाइप के नखरे हैं यार, आपको तो सब पता है, आप इतनी लेडीज के साथ आपकी फ्रेंडशिप। दीपिका आप कितना सहमत हैं कि लड़कियों के ज्यादा नखरे होते हैं, लड़कों के कम होते हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। रणबीर तुम इधर ही आ जाओ, मेरे को नहीं है तो यार, तो मतलब आप ये मानती हैं कि नहीं लड़कियों के नखरे नहीं होते, लड़कों के ज्यादा होते हैं? हैं, पर लड़कों के ज्यादा होते हैं। मुझे आपको क्या लगता है, जैसे दिल्ली में एक आजकल फॉर्मूला चल रहा है इवन एंड ऑड का, अगर ये रियल लाइफ में लागू हो जाए कि इवन ऑड वाले दिन एक दिन लड़कियां बोलेंगी एक दिन लड़के बोलेंगे, तो क्या जो हमारे हिस्से में इवन आएगा या ऑड आएगा, क्या हम मर्दों को बोलने का मौका मिलेगा? जनता जवाब देना चाहती है। आई थिंक यहाँ पे जो एक्सपीरियंस्ड कपल है उनको पूछना चाहिए। एक्सपीरियंस कपल, अच्छा बच्चन साहब की पूरी इंडस्ट्री में जितनी चलती है सबको पता है, शहनशाह ऑफ बॉलीवुड है। सर एक सेकंड, दीपिका बाइक पकड़ना। सर घर में ज्यादा किनकी चलती है? जेनरिक आ जाइए, पास आ जाइए। सर आपकी आवाज इतनी भारी है ना, पास भी बुलाते मुझे लगता है अंदर कर दीजिए इनको। सॉरी सर, थोड़ा डर लगता है सर, क्या करें? और नजदीक आ सकते हैं हम? सर आपके पास जो बैठी हुई ना, मैं तो बहुत ज्यादा नजदीक आना चाहता हूँ। जी जी। तो सर सॉरी भूल जाता हूँ यार। तो सर हेलो, तो मतलब क्या बताएं सर, आप खुद एक्सपीरियंस हैं, मतलब मेरे घर में तो आपकी चलती है। रियली सर? जी बिल्कुल। हाउ स्वीट ऑफ यू सर, मेरा पेमेंट बढ़ा दिया आपने मार्केट में इतनी बात बोल के। आइए हम कुछ और अपने मेहमानों से जानते हैं। यू आर लुकिंग कैप्सिकम गॉर्जियस, सॉरी मेरे गॉर्जियस बोलना था, मेरे को कैप्सिकम निकल गया। आपको क्या लगता है, लड़कियों के नखरे ज्यादा होते हैं लड़कों के ज्यादा होते हैं? कैप्सिकम। हाँ, ऐसी कैप्सिकम अगर हमारे घर में हो, हम उसकी कभी सब्जी बनाए ना, उसको देखते रहे, उसके ऊपर पानी छिड़े छिड़के ताजा रखे उसको। अच्छा मेरे को एक बात बताएं, ये ड्रेसेस कहां से बनवाती हैं? दर्जी कहीं से भी कैंची चला रहा है? शिमला मिर्च या मिर्च? शिमला मिर्च, मतलब तीखी। लड़कियों को अच्छा लगता है ऐसे कमेंट सुनना कि उनको स्पाइसी बोला जाए, तीखा बोला जाए। लड़कों को क्या अच्छा लगता है? लड़कों को कुछ नहीं, लड़कों को लड़कियां देख ले उनके लिए सब कुछ अच्छा है। हाँ, भगवान का प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं जो भी मिल जाए। देखिए अब मुझे पसीना आ रहा है, मैंने कभी डैप नहीं करवाया, मेरे को कोई आगे मेकअप क्या देखना किसी ने इतना, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस इसलिए पहनती हैं अवार्ड शोज में, कभी पसीना है तो घाघरे में मुंह डाल के ना डैप कर लेती हैं, तो ये बड़ा फायदा होता है। अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू दीपू, सॉरी रणबीर, मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि किनके नखरे ज्यादा होते हैं? जी लड़कियां बहुत सिंपल सी होती हैं। हमने क्या जरी गोटे का काम करवाया हुआ अपनी बॉडी पे, हमने क्या गलत किया हुआ है? एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। कपिल भगवान के लिए ऊपर आ जाओ प्लीज। अरे आप गए नहीं अभी तक? नहीं बिल्कुल नहीं।